पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और राजस्थान के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के काफिले की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। घायलों को विधायक की गाड़ी से राजकीय भारतीय अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर उसे रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि विधायक कृष्णा पूनिया जयपुर से राजगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान चूरू बाईपास पर रामनगर तिराहे पर उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रक ने पूनिया की गाड़ी के आगे चल रही एस्कार्ट गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में सुरक्षा कर्मी जगवीर, पंकज, चरण सिंह, विक्रम सिंह व बन्ने सिंह घायल हो गए हैं और सभी को विधायक कृष्णा पूनिया की गाड़ी से इलाज के लिए राजकीय टीबी अस्पताल ले जाया गया। एक घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। हादसे का पता चलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि रामनगर तिराहे पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक काफिले के सामने आ गया। ड्राइवर ने बचाने की कोशिश भी की और एक्सीडेंट को रोकने के लिए एस्कार्ट गाड़ी को सड़क से नीचे भी उतार दिया, लेकिन ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कृष्णा पूनिया ने ट्वीट किया कि ईश्वर की दुआ से मैं ठीक हूं, जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनके जल्द ही ठीक होने की कामना करती हूं। राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया की जान को खतरा होने की आशंका को देखते हुए गत दिनों राज्य सरकार ने जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया करवाई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है कि ये महज एक हादसा था या फिर विधायक कृष्णा पूनिया के खिलाफ कोई बड़ी साजिश थी।